मैं नालंदा विश्वविद्यालय बोल रहा हूँ। आज मैं आपको मेरा ऐसा गौरवशाली इतिहास बताने वाला हूँ जिसके बारे में आज की पीढ़ी कम ही जानती है। हाँ, मैं वही विश्वविद्यालय हूँ जो एशिया का सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करता था, लेकिन एक नरभक्षी पागल राक्षस क्रूर और सनकी तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने मुझे और मेरे पुस्तक भंडार को जलाकर राख कर दिया था। महीनों तक मैं जलता रहा, किसी ने मेरी सूद नहीं ली। मैं सबसे पहले मुझे जलाने वाले के बारे में बताऊंगा, उसके बाद मेरी खोज कैसे हुई, उसके बाद मैं अपनी बनावट बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको मेरी अलग अलग विशेषताओं से अवगत कराऊंगा, और सबसे पहले मैं नालंदा को क्यों तहस नहस किया गया वो बताता हूँ। मेरे प्रांगण में 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से अधिक पंडित आचार्य हमेशा मौजूद थे। एक समय की बात है, बख्तियार खिलजी नाम के क्रूर लुटेरे और मूर्ति पूजकों के विरुद्ध की तबीयत खराब हो गई। किसी गंभीर बीमारी ने उसे जकड़ लिया था। उसने अपनी नीम हाकिमों से बहुत इलाज करवा लिया, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई। उस समय की यात्री मेरे प्रांगण में घूमते हुए सभी विषय पर पढ़ने वाले आचार्य से भेंट करते हुए मोहम्मद बख्तियार खिलजी के राज्य में जा पहुंचा। वहां उसे पता चला कि वो अभी बीमार है तो मिल नहीं सकता। उस यात्री के विशेष आग्रह पर बख्तियार खिलजी मिलने के लिए तैयार हुआ। यात्री ने मिलते ही बख्तियार खिलजी को सलाह दी कि विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में मेडिसिन विभाग के प्रमुख पंडित राहुल श्री बद्री जी आपका इलाज करके आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्री बद्री जी से इलाज की इच्छा प्रकट की, लेकिन बख्तियार खिलजी ने एक शर्त रखी थी कि मैं किसी भी प्रकार की भारतीय पद्धति से बनाई गई दवा नहीं खाएगा, क्योंकि ये काफिरों द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय के बाद राहुल जी श्री बद्री ने कुरान की प्रति लेकर खिलजी के पास गए और ये सलाह दिए कि प्रतिदिन कुरान की प्रतियां आप पढ़ेंगे तो आप ठीक हो जाओगे, ये मेरा दवा है। उसके कुछ दिनों तक खिलजी ने कुरान की प्रतियां कई बार पढ़ी और उसने महसूस किया कि उसके स्वास्थ्य अब ठीक होने लगा है। उसके बाद उसने पता लगाया कि मैं ठीक कैसे हो गया, तो उसे पता चला कि पंडित राहुल श्री बद्री जी ने कुरान की प्रतियों पर दवाई का लेप लगा दिया था। जिनको पता था, कुरान पढ़ने वाले खिलजी जी हमेशा पन्ने पलटते समय हाथ पर थूक लगाता था, इस माध्यम से शरीर में दवा का असर हुआ और वो ठीक हो गया। उसी के तुरंत बाद खिलजी को यह बात सहन नहीं हुई कि मेरे नीम हाकिमों से मैं ठीक नहीं हुआ, परंतु काफिर की दवाई ने मुझे ठीक कर दिया। मेरे हाकिमों से ज्यादा ज्ञान उन आचार्य और पंडितों में है। मन ही मन मेरे प्रति उसके मन में द्वेष पैदा हो गया। मैं नालंदा विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से शांति का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध से प्रेरित था। जगह जगह पर भगवान बौद्ध की प्रतिमाएं और स्तूप बनाए गए थे। हर आचार्य पंडित हर विषय में परिपूर्ण बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े विद्यार्थी सभी भगवान बौद्ध के सामने नतमस्तक होकर शिक्षा ग्रहण करते थे। यह बात खिलजी को सहन न हुई क्योंकि वो एक मूर्ति भंजक था। मूर्ति पूजकों को मारना वो अपना धर्म समझता था और एक मूर्ति पूजक द्वारा इसका इलाज करके ठीक करना उसे अपने धर्म की तौहीन नजर आई। फिर अचानक एक दिन मैंने असाइन के घोड़ों के पैरों की ताप सुनी, कंपन और अपनी ओर आते हुए महसूस किया, लेकिन मैं तो शांति और शिक्षा के लिए विश्व में विख्यात था, मुझे किस बात का डर था। खिलजी और उसके घुड़सवारों ने मेरे सभी दरवाजों को बाहर से बंद कर दिया और एक टोली अंदर घुस गई। उसके बाद मैंने जो क्रूर खेल देखा, मेरे प्रांगण में जो शब्द में बयान नहीं किया जा सकता। कहना बड़ा आसान है, लेकिन जो मैंने अपने आचार्य पंडित और विश्व के अलग अलग कोने से आए विद्यार्थियों का टपकता खून देखा, मैंने अपनी नंगी आंखों से देखा, उसको बताना कठिन है। हजारों शिक्षकों को पल भर में मार दिया गया। शांति के संदेश को फैलाने वाले असहाय खाली हाथ वाले मौजूद सभी को खिलजी की मूर्ति पूजक विरोधी मानसिकता से मार दिया गया। कुछ भागने में कामयाब हो गए तो कुछ महत्वपूर्ण पांडुलिपि को कपड़े में छुपाकर अपने साथ ले गए, जो तिब्बत की ओर भागे और उन्हें पांडुलिपि की सहायता से बौद्ध धर्म और शांति का प्रसार तिब्बत में हुआ। मैंने अपनी इन्हीं आंखों से वो खूनी खेल देखा जो 10,000 विद्यार्थियों के साथ साथ सभी आचार्य पंडित और शिक्षक को मार दिया गया। उनका कसूर ये था कि वो मूर्ति पूजक थे, मूर्ति में अपनी आस्था रखते थे। उन सभी मूर्ति पूजकों को मूर्ति पूजा का दंड मिला। मेरे परिसर में मैंने ऐसा खूनी खेल देखने की कभी कल्पना भी ना की थी। मैं तो शांति का मंदिर था। जब सभी मूर्ति पूजकों को मार दिया गया तो खिलजी ने आदेश दिया कि मेरे पूरे परिसर को आग लगा दी जाए, मुझे खंडित करके तहस नहस कर दिया जाए। मेरे बच्चों, अगर मुझमें प्राण होते तो मैं चल फिर सकता तो सभी रिसर्च पेपर को छुपा देता ताकि मेरी आने वाली पीढ़ी हजारों सालों की मेहनत को पढ़कर फिर से ज्ञान प्राप्त कर सके, लेकिन मैं ये कर ना सका। मुझे इस सबसे अधिक पीड़ा हुई जब मेरे परिसर में मौजूद पुस्तकालय में आग लगा दी गई। मेरे बच्चों, उस पुस्तकालय में भारत का भविष्य था,
धो धो कर जलते हुए मेरे परिसर में मौजूद तीनों पुस्तकालय की इमारतें देखकर मैं खुद को रोक न सका और जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगा, लेकिन मेरी कोई सुनने वाला ना था। वहां पर सब मूर्ति पूजकों के विनाश करने वाले ही मौजूद थे। मुझे और मेरे परिसर को भी मूर्ति पूजकों के साथ मूर्ति को सहज कर रखने का दंड मिला। मैं पूरी तरह धो धो कर जलता रहा। मैंने आंखें बंद कर ली। पूरी 6 महीने तक मेरी विश्व विख्यात पुस्तकालय में आग जलती रही और भारत का भविष्य जलती हुई मैंने उसके ताप को महसूस किया। पूरी तरह से तहस नहस वीरान खड़ा मैं कई शताब्दियों की धूल मिट्टी से आंखों से ओझल हो गया। मेरा खंडर रूप देह जो बचा था वो धूल और मिट्टी के नीचे दब गया और अंदर ही अंदर अपने वजूद को मिटाते हुए अंधकार में दिन ब दिन बीतने लगे। फिर एक दिन ऐसा आया जब मेरी खोज करने वाले अंग्रेज अफसर को 19वीं सदी में एक चाइनीज यात्रा के एक डायरी मिली, जिसमें उस यात्री ने मेरे बारे में कुछ लिखा था। एक दिन वो अंग्रेज ऑफिसर डायरी में लिखे पते पर पहुंचा, पर उसे वहां कोई सबूत ना मिला। लेकिन वही टहलते हुए उसे कुछ 5वीं शताब्दी के दबे कुछ अवशेष मिले। उसने हल्के अपने हाथों से खरोचा तो नीचे एक के ऊपर एक ईंट से सजी हुई दीवारें महसूस की। फिर कुछ दिनों पश्चात उस जगह पर खुदाई करके मेरे पूरे अवशेष को दुनिया के सामने लाया।